तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी किस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक राज घराने की कहानी है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी उम्र सिर्फ 29 साल रही, वो 29 साल ही जिए। आज की कहानी एक ऐसी महारानी भी कह सकते हैं कि है, जिन्हें महारानी का दर्जा नहीं मिला। और राजा की वो तीसरी पत्नी भी कई लोग कहते हैं, और प्रेमिका के तौर पर भी। आज की कहानी पे 2001 में एक फिल्म आई थी, श्याम बेनेगल जाने माने डायरेक्टर, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी जुबैदा, जिसमें मनोज वाजपेयी, करिश्मा कपूर, रेखा जैसे मंझे हुए कलाकार ने काम किया था। और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। करिश्मा कपूर को जुबैदा का रोल प्ले करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले जो लिखी थी वो किसी और ने नहीं लिखी थी, बल्कि असली जुबैदा के बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखी थी। खालिद मोहम्मद एक जर्नलिस्ट, एक फिल्म क्रिटिक, फिल्म फेयर जो मैगजीन है उसके लंबे वक्त तक एडिटर रहे, कई न्यूज़पेपर में काम किया, कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया, जिसमें एक फिज़ा आपको याद होगी, ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर उसमें भी थी। तो एक जाने माने जर्नलिस्ट, जाने माने फिल्म डायरेक्टर। कहानी जुबैदा की है, और जुबैदा के ज़रिए कहानी इस देश के बड़े गिने चुने ऐसे राजाओं की है जिनकी मौत सिर्फ 29 साल की उम्र में हो गई थी। कहानी जोधपुर के राजा, राजा हनुमंत सिंह की है। राजा हनुमंत सिंह, जिनका जन्म 16 जून 1923 को हुआ था, और ये जोधपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बात आज़ादी के वक्त की है। 1947 से पहले जब ये तय हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, और फिर भौगोलिक एरिया और धर्म मज़हब के हिसाब से गिनती करके जो जो जिस इलाके में उससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा, तो उस वक्त अलग अलग बहुत सारे रियासत, बहुत सारे राजा हुआ करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे। तो राजस्थान में भी ऐसी बहुत सारी रियासत थी। आज़ादी के वक्त या जब बंटवारा हो रहा था, तब कहते हैं कि राजस्थान में कुल 22 रियासतें हुआ करती थी, यानी कि 22 अलग अलग राजा हुआ करते थे। लेकिन इनमें से एक अजमेर को छोड़ दें, अजमेर मारेवाड़ जो ब्रिटिश शासन के अंडर में था, बाकी 21 रियासतें आज़ाद थीं, उसके राजा अपना अपना हुकूमत चलाते थे। तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, वो आज़ाद हिंदुस्तान होते ही हिंदुस्तान के साथ मिल गया। लेकिन जो बाकी स्टेट 21 रियासतें थीं, उनके राजा जो है, जब बंटवारा होने लगा तो वो बड़े कशमकश में थे, क्या करें। वो एरिया बॉर्डर का, फिर बहुत सारी चीज़ें कि एक बार आज़ाद होगा देश तो राजाओं की कुर्सी चली जाएगी, उनके पास अधिकार नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, सारे जो ख़जाने उस पर भी भारत सरकार का हक होगा, तो उसको लेकर बड़ी उस वक्त एक उलझन सी थी। तो कहते हैं कि शुरुआत में जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जिन्ना से मुलाकात की थी, और एक वक्त उन्होंने सोचा था कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और जिन्ना के सामने कई शर्तें भी रखी थी। जिन्ना सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर उदयपुर और बाकी महाराजाओं से जब उन्होंने बात की, राजा हनुमंत ने, कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, तब उन लोगों ने समझाया कि ये ठीक नहीं होगा। खुद उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कहा कि इससे लोगों में बड़ा एक तो आक्रोश होगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर यह देश बट रहा है, तो आपकी पूरी रियासत जो है वो एक पाकिस्तान की तरफ जाए, और यहाँ पर आपकी जो प्रजा है वो हिंदू ज़्यादा है। तो ये बात भी लगी, और उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते थे कि किसी तरह से ये अलग हो, पाकिस्तान में मिले। तो उन्होंने राजा हनुमंत सिंह की सारी शर्तें भी मान ली थी, और ये कहा था कि आपको हम सारी चीज़ें देंगे, लेकिन आप हिंदुस्तान के साथ आप मतलब मिल जाइए। तो फिर बाद में राजा हनुमंत को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान के साथ जाना गलती होगा, और इसीलिए उन्होंने फिर अगस्त में ही 1947 में दस्तखत किया, और इस तरीके से जो जोधपुर राजघराना है वो भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया। तो ये तो उसके बैकड्रॉप की कहानी थी। अब जब हिस्सा बन गया, इसके बाद 47 में देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, लेकिन फिर कुछ चीज़ें लगी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और राजा हनुमंत को लग रहा था कि धीरे धीरे जो शाही खर्चा और ये सारी चीज़ें थी, कांग्रेस सरकार उसके खिलाफ कुछ मतलब उनकी जो पूरी रियासत है वो शायद धीरे धीरे खिसक रहा है, और ये पूरे देश में हो रहा था, क्योंकि तय हो गया था कि सारी रियासतों को भारत सरकार के अधीन लाया जाएगा। तो इसी वजह से 1952 में चुनाव था जनरल, स्टेट का, विधानसभा का, राजस्थान का, और
नेशनल लोकसभा के लिए भी चुनाव था। तो कांग्रेस से नाराज राजा हनुमंत सिंह ने यह तय किया कि वो खुद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने उनको कहा भी कि आप कहाँ राजा हैं, ये चुनाव और ये डेमोक्रेसी इन सब चीज़ों में मत पड़िए। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे। और इसी के बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को बनाने के बाद उन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और खुद दो जगह से चुनाव उन्होंने लड़ने का फैसला किया, एक राजस्थान विधानसभा के लिए और एक राजस्थान लोकसभा के लिए। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक कांग्रेस के बहुत ही ताकतवर नेता, जय नारायण व्यास, इनके नाम पे आज यूनिवर्सिटी भी है। तो जय नारायण व्यास एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहाँ पे किसी और का जीतने का कोई मतलब सवाल ही नहीं था। लेकिन हनुमंत सिंह ने ऐलान किया कि वो सबसे मजबूत उम्मीदवार यानी जय नारायण व्यास के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव में उतर गए। लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा के भी। अब इसी दौरान में पोलिंग हो गई, काउंटिंग का दिन था 26 जनवरी 1952। उस दिन वोटों की गिनती हो रही थी और हैरत अंगेज तौर पर शुरुआत से ही राजा हनुमंत सिंह लीड ले रहे थे और जय नारायण व्यास, उन्होंने भी दो जगह से चुनाव लड़ा था और वो पीछे थे। तो जब एक काफ़ी हद तक लीड ले ली तब उन्हें लगा राजा हनुमंत को कि अब तो हम जीत गए, तो अब चलते हैं बाकी दूसरी सीटों का भी दौरा करते हैं। उनके पास अपना उनका एक 6 सीटर चार्टर्ड प्लेन था राजा हनुमंत सिंह के पास, और वो खुद एक बहुत ही अच्छे पायलट थे। तो उन्होंने को जब ये भरोसा हो गया कि यहाँ से अब जय नारायण व्यास से वो जीत रहे हैं, तो वो अपने प्लेन में बैठते हैं। इत्तफाक से उसी प्लेन में उनके साथ उनकी पत्नी भी कहें या प्रेमिका कहें, क्योंकि अलग अलग लिखी हुई है। हालांकि विकीपीडिया पे आज भी जुबैदा का नाम जो है उसमें पे वो लिखा हुआ पार्टनर, मतलब हनुमंत राजा हनुमंत सिंह के पार्टनर के तौर पर विकीपीडिया में नाम दर्ज है। तो खैर जुबैदा भी आ गए, उसी चार्टर प्लेन में दोनों बैठ गया। राजा हनुमंत सिंह अब चुनाव वो प्लेन उड़ा रहे हैं। करीब जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर अभी ये प्लेन उड़ा और ये आखिरी इन लोगों की उड़ान साबित हुई। प्लेन किसी बिजली के तार से टकराती है और उसके बाद क्रैश कर जाती है। इस हादसे में राजा हनुमंत सिंह और जुबैदा दोनों की मौत हो जाती है। जिस वक्त उनको मौत हुई तब तक उन तक ये खबर ही नहीं पहुंची थी कि दोनों चुनाव और बाकी स्टेट का नतीजा क्या हुआ। हालांकि दोनों चुनाव लोकसभा का भी और विधानसभा का भी राजा हनुमंत सिंह जीत चुके थे, लेकिन इस जीत की खबर उन तक पहुंचती उससे पहले मौत आ गई थी। तो एक प्लेन क्रैश में राजा हनुमंत सिंह और जुबैदा इन दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद फिर इन्हीं दोनों सीटों पर, चूँकि वो जीते लेकिन उनकी मौत हो गई, तो बाई इलेक्शन हुआ यानी उपचुनाव। आज़ाद हिंदुस्तान में कहते हैं कि ये पहला बाई इलेक्शन या उपचुनाव जो था यही चुनाव था जो राजा हनुमंत सिंह की मौत के बाद हुआ था। उससे पहले बाई इलेक्शन इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद नहीं हुआ था। अब इस हादसे में मौत हो गई, ये हादसा क्यों हुआ, प्लेन क्रैश कैसे किया, ये एक सवाल था। लेकिन इस सवाल तक बढ़ूं उससे पहले अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इस कहानी में। राजा हनुमंत सिंह जिनका जन्म 1923 में हुआ था, जब सिर्फ इनकी उम्र 20 साल के करीब थी, तभी इनकी जो शादी है वो वडोदरा जो आज है पहले बड़ौदा हुआ करता था वहाँ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से हुई थी 1943 में। तब 20 साल की उम्र थी राजा हनुमंत की, शादी हो गई, उसके बाद वो यहाँ आए और तब ये उम्मीद भवन जो पहले से आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जोधपुर में, वो बन रहा था और बनकर तैयार हो चुका था, और इसके बाद यहीं ये लोग शिफ्ट हुए थे। लेकिन करीब 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के अंदर अंदर जो राजा हनुमंत सिंह, इन्होंने फिर एक दूसरी शादी की। इनके पास एक स्कॉटिश नर्स आई थी जिसका नाम था सैंड्रा, सैंड्रा से उन्हें प्यार हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने सैंड्रा आई और अब यह हुआ कि कैसे करेंगे, तो फिर सैंड्रा को बाकायदा उसका धर्म परिवर्तन हुआ और उसके बाद उससे शादी हुई। लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर तलाक भी हो गया, बनी नहीं, तो महारानी ने भी राहत की सांस ली कि चलो ये रिश्ता ख़त्म हो गया, इसको लेके बहुत सारा आवाज़ें भी उठ रही थी। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें नहीं रहीं। अब इसके बाद राजा हनुमंत सिंह की ज़िंदगी में एक और महिला आने वाली थी, और कहते हैं कि ये जो महारानी कृष्ण कुमारी थी, इनकी माँ ने इन्हें बताया था
तुम्हारी शादी तो अच्छी जगह होगी, सब होगी, लेकिन तुम्हें दो सौतनों का सामना करना पड़ेगा। और वह चीज़ें सच साबित हो रही थी। बात 1950 की है, 1950 की 22 अप्रैल की वो तारीख थी। उस दिन जोधपुर राजघराने की जो बेटी है राजेंद्र कुमारी की शादी थी। शादी के लिए बड़ी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी। और यहीं इस शादी के लिए बाकायदा बड़ौदा में उस ज़माने में यानी वडोदरा से बारात आ रही थी। उस बारात के साथ बहुत सारे मनोरंजन के लिए सिंगर, डांसर, ये सब भी आए थे। तो जोधपुर के भी कलाकारों को बुलाया गया था स्वागत के लिए। और इसी में एक और बहुत ही खूबसूरत एक महिला आई थी और उन्हें गाना था। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और नाम था ज़ुबैदा। ज़ुबैदा मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम किया एक्ट्रेस के तौर पर। बेहद खूबसूरत आवाज़, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और ये एक अच्छे खासे अच्छी फैमिली की बेटी थी ज़ुबैदा। कासिम भाई और उनकी पत्नी जो है फैज़ी बाई, उनकी बिटिया थी ये, लखनऊ में परवरिश हुई, फिर मुंबई आई। मुंबई में फिल्मों में काम मिला, गाने का शौक़ था, आवाज़ अच्छी थी, तो इस तरीके से ये गाना भी गाती थी। तो इस शादी के लिए जोधपुर बुलाया गया और ज़ुबैदा बेगम जोधपुर पहुंची। वहाँ शादी के फंक्शन में जब उन्होंने अपना फ़न दिखाया तो कहते हैं राजा हनुमंत सिंह उनकी आवाज़ पर फिदा हो गए। और इसके बाद अगले दो तीन दिनों तक वो महफिल सस्ती रही, वो सुनते रहे और धीरे धीरे ज़ुबैदा की तरफ वो आकर्षित होने लगे। शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ, बारात ट्रेन से आई थी, सब लौट रहे थे, जो साथ में कलाकार थे वो भी लौट रहे थे, ज़ुबैदा बेगम भी उसी ट्रेन में बैठ गई। लेकिन अगले ट्रेन स्टेशन आते आते उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको वापस ट्रेन से उतारा गया और फिर वापस जोधपुर लाया गया। जोधपुर आने के बाद पता चला राजा हनुमंत सिंह गए देखने के लिए। और इसके बाद अब फिर उन्होंने उनके लिए गाना गाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों करीब आते गए। इसके बाद खैर वो फिर ठीक हुई, वापस मुंबई चली गई। अब राजा हनुमंत सिंह को याद आने लगी, फिर वो खुद मुंबई गए, मुंबई जाकर मिले। और अब दोनों इतने करीब आ गए थे कि इसके बाद वो ज़ुबैदा बेगम को वापस जोधपुर ले आए। अब लेकिन जोधपुर में तब तक उनके और ज़ुबैदा के रिश्तों के बारे में अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी, चर्चा होने लगा। अब यहाँ मसला ये था कि राजा हनुमंत सिंह और ये मारवाड़ का पूरा जोधपुर की सल्तनत, और ज़ुबैदा एक मुस्लिम, तो एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम के साथ कैसे, क्योंकि राज परिवार में बहुत सारी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि जब आवाज़ उठने लगी तो फिर बाकायदा उम्मेद भवन, जिस पैलेस में रहा करते थे राजा हनुमंत सिंह, जिसमें महारानी भी उनकी रहा करती थी, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया ज़ुबैदा के लिए और ये पहुंच गए मेहरानगढ़ के किले में ज़ुबैदा को साथ लेकर। अब वो वहाँ साथ रहने लगे दोनों, ज़ुबैदा और राजा हनुमंत सिंह। रहने के दौरान ही कहते हैं कि 17 दिसंबर 1950 को ज़ुबैदा बेगम का फिर धर्म परिवर्तन उन्होंने किया, और उसके बाद ज़ुबैदा से उनका अब जो नया नाम हो गया वो विद्या रानी हो गया। और आर्य समाज मंदिर में बाकायदा ये सारे चीज़ें हुई धर्म परिवर्तन को लेकर, और अब वो विद्या रानी हो गई थी, क्योंकि ज़ुबैदा और हनुमंत सिंह दोनों एक प्यार करते थे एक दूसरे को, और अब उन्होंने तय कर लिया था कि साथ रहेंगे। अब इससे बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि शादी नहीं की थी। खुद जो राजा हनुमंत सिंह के बेटे हैं और इस वक्त हैं गज सिंह, उनका ये कहना था कि ज़ुबैदा महारानी नहीं थी, यानी कि उन्होंने राजा हनुमंत सिंह से शादी नहीं की थी, बल्कि गज सिंह के पिता हनुमंत सिंह, उन्होंने कहा कि वो उनकी कंपेनियन थी और राजघराने में उन्हें परदायत का स्टेटस दिया गया था। परदायत मतलब वो जो पर्दे में रहे। तो दोनों चीज़ें हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने शादी कर ली थी, कुछ लोगों का कहना है कि शादी नहीं की थी और वो एक कंपेनियन या एक पार्टनर के तौर पर रहा करती थी। अब ज़ुबैदा के प्यार में राजा ने अपना शानदार उम्मेद भवन पैलेस छोड़ दिया, मेहरानगढ़ के किले में रह रहे हैं। इधर सरकार से भी उनकी बन नहीं रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पे सरकार थी और वो बहुत सारी चीज़ें थी जो वादे हुए थे पूरे नहीं हुए थे।
लेकिन घर के फ्रंट पे भी कई चीज़ें चल रही थी। इश्क मोहब्बत के बाद जुबैदा को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही थी। अच्छा, उधर जुबैदा की यहाँ आने से पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उस शादी के बाद वो ज़्यादा दिन तक रिश्ता चला नहीं, तो जुबैदा फिर अपने पहले शौहर से अलग हो गई। लेकिन तब तक उनको एक बेटा हो चुका था और उस बेटे का नाम था खालिद मोहम्मद, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। तब यहाँ विद्या रानी के नाम पर जुबैदा उसी मेहरानगढ़ के किले में रह रही हैं राजा हनुमंत सिंह के साथ। और फिर 2 अगस्त 1951 को विद्या रानी या जुबैदा और हनुमंत सिंह को एक बेटा होता है और इस बेटे का नाम रखते हैं हुकुम सिंह। तो हुकुम सिंह रखा गया नाम, मतलब कायदे से देखें तो खालिद मोहम्मद के सौतेले भाई हो गए। अब एक और बेटा, मतलब जब हुकुम सिंह हो गया उसके बाद उसका पलना बड़ा शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ही मैंने जैसा आपको बताया कि 52 में ही राजा हनुमंत सिंह की मौत हो गई थी प्लेन क्रैश में, जुबैदा की भी हो गई थी। तो फिर हुकुम सिंह को कुछ वक्त तक तो महारानी ने ही पाला जोधपुर की। 1984 में जब हुकुम सिंह की उम्र करीब 33 साल थी, यानी जुबैदा और राजा हनुमंत सिंह के बेटे हुकुम सिंह की जब उम्र 33 साल हुई, तो एक रोज़ किले के अंदर हुकुम सिंह की लाश मिलती है और हुकुम सिंह के ही तलवार से हुकुम सिंह पर ही वार किया गया था और हुकुम सिंह की मौत हो गई। हुकुम सिंह का कत्ल किसने किया, 84 की ये बात है, 16 और 23 करीब 39 साल हो गए, 40 साल के करीब। ये आज भी एक पहेली, आज भी एक राज है कि हुकुम सिंह का कत्ल क्यों किया, क्योंकि वो जुबैदा और राजा हनुमंत सिंह के प्यार की निशानी था। लेकिन उसका कत्ल जिस तरीके से किया गया वो हमेशा एक पहेली है। खुद खालिद मोहम्मद ने हुकुम सिंह के कत्ल की फुल फ्लेज जांच के लिए कई बार एक तरह से आवाज़ उठाई और कहा कि हुकुम सिंह का कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं इसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन आज भी हुकुम सिंह की मौत की वजह क्या थी, कत्ल किसने किया, इसका सच कोई नहीं जानता। अब धीरे धीरे फिर वक्त बीतता है, उधर महारानी जो थी, अब चूंकि राजा हनुमंत सिंह की मौत हो चुकी थी और कृष्ण कुमारी, फिर उन्होंने ही सारा राजपाट संभाला उस वक्त। और बहुत सारी चीज़ें थी, एक वक्त ऐसा भी आया था, कहते हैं कि जब महल में लोग राशन उधार पे देने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब इतनी गुर्बत और गरीबी तक आ गई थी, क्योंकि महल और सारी राजपाट का खर्चा और वो सारी चीज़ें मतलब झेलना भी एक मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें दुरुस्त हुई, खुद कृष्ण कुमारी ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जीती और उन्होंने अपने परिवार को संभाल कर रखा, समेट कर रखा। लेकिन जुबैदा, जुबैदा के बेटे हुकुम सिंह और राजा हनुमंत सिंह की कहानी मतलब अधूरी ख़त्म हो गई। इस हादसे को कुछ बरसों बीत गए, 1952 में हुआ था ये, करीब 50-60 साल बीत गए, तो फिर पता चला कि जिस प्लेन क्रैश में राजा हनुमंत सिंह और जुबैदा की मौत हुई थी, उस प्लेन का कुछ मलबा जोधपुर का जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर जाकर गिरा था। और जब वो जेल वेल बनने लगा था तो उसके बाद पहले उन्हें ये लगा कि चूंकि जोधपुर पाकिस्तान के बराबर में है तो पाकिस्तान कई बार वहाँ से बॉम्ब फेंकता है, तो उन्हें लगा कि वहीं से कुछ आकर गिरा है, तो उन्होंने उसको नीचे तहखाने में रख दिया, उस प्लेन क्रैश के मलबे को। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान से आया, आकर नहीं गिरा है, बल्कि ये वो मलबा है जहाज़ का, जो जहाज़ राजा हनुमंत सिंह 26 जनवरी 1952 को चला रहे थे और जिसमें उनकी मौत हुई थी और जिसमें उनके साथ जुबैदा थी। तो अब जोधपुर राजघराने ने ये मांग की है कि उस निशानी को, उस प्लेन के, उन्हें सौंपा जाए ताकि उसे वो संग्रहालय में यानी कि म्यूज़ियम में रख सकें। लेकिन उस प्लेन क्रैश को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, जैसे हुकुम सिंह का कत्ल की पहली आज भी पहली है कि वो प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, उसके पीछे कोई साजिश थी। कुछ लोगों का कहना है कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त राजा हनुमंत सिंह और जुबैदा में किसी बात पर लड़ाई हो रही थी, लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। या उस प्लेन के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई, खराबी उसमें लाई गई, इसका भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन दोनों की मौत एक रहस्य से भरी थी और उन दोनों की जो निशानी हुकुम सिंह की मौत, वो भी एक रहस्य से भरी है और आज भी वैसे ही रहस्य बनी हुई है। तो ये थी कहानी, एक राजा, एक राजघराना, उस राजघराने में आई एक जुबैदा और उसके एक बेटे
उन दोनों के, जिसकी मौत उसी राजघराने में हुई, लेकिन उस मौत पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। तो आज का कहानी खत्म करूं उससे पहले भाई अपना सिलसिला, आज सना अंजुम इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सना। और ये शराफत अंसारी की बिटियां हैं। इसके अलावा बसंती बर्मन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बसंती जी। और ये सब बर्मन की वाइफ हैं, मालदा से हैं। तहसीन फातिमा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तहसीन। और ये मोहम्मद अली एआरएस, उनकी वाइफ हैं। रागनी दोसाज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रागनी जी। और ये डॉक्टर करण अरोड़ा जी ने भेजा है। इसके अलावा रोहाफ्जा शम्स, इनकी भी आज, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोहाफ्जा। और इमाल शम्स ने भेजा है, उनकी मम्मी हैं ये। साथ ही सुनीता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनीता। और ये कुलदीप परिहार की बहन है। साथ ही मोहम्मद नास का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नास। और बहादुरगंज बिहार से हैं ये। साथ ही कदम कुंदू का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कदम। इसके अलावा हर दर्शन कांग, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हर दर्शन जी। और ये डॉक्टर सुरजीत कांग की वाइफ हैं, इनका 26 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। विनीता, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विनीता। और ये नवीन गुसाई की वाइफ हैं। गुलशन कुमार का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुलशन साहब। और नीलम कुमारी ने भेजा है, और साथ ही आरुष ने। इसके अलावा हरे कृष्णा का भी कल जन्मदिन था, 26 को, तो हैप्पी बर्थडे हरे कृष्णा। आयशा, इनका भी बर्थडे कल था, तो हैप्पी बर्थडे आयशा, नदीम ने भेजा है। साथ ही हरजीवन ज्योत कौर, इनका भी जन्मदिन कल था, तो हैप्पी बर्थडे हरजीवन ज्योत जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और ये कनाडा से हैं। साथ ही प्रमोद नायक, 26 को इनका भी बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे प्रमोद। नीतीश गवारिया, इनका भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे नीतीश। और ये दुष्यंत ने भेजा है। साथ ही धवल हड़ियाल, इनका भी 26 को था, तो हैप्पी बर्थडे धवल। सुभान अली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुभान। और ये अंशु खान ने भेजा है। साथ ही उज्ज्वल चतुर्वेदी, इनका भी जन्मदिन कल था, तो हैप्पी बर्थडे उज्ज्वल। और ये उमा शर्मा जी ने भेजा है। चिराग कठीरिया, इनका भी कल बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे चिराग। और मोहम्मद वसीम राज मोतिहारी से हैं, तो हैप्पी बर्थडे वसीम, बल्कि राजा हैं ये, वसीम राजा साहब। युवराज सिंह सिवान से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे युवराज। इसके अलावा पूनम और सुभाष पवार की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही श्वेता गोस्वामी ने कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद आदिल, थैंक यू सो मच, इन्होंने पूछा है पॉडकास्ट के बारे में, ढूंढ रहे थे, तो जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। नवीन चौधरी बीकानेर से हैं। इसके अलावा परमगौन मेहता, इन्होंने एक हर्षद मेहता की कहानी सुनने की फरमाइश की थी, ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ, परमगौन महंता साहब। श्रीशिर, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा सैयद उस्मान, ये लाहौर पाकिस्तान से हैं, थैंक यू सो मच उस्मान साहब आपके इस मेल के लिए। अंकित दीक्षित ने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा शिवानी कांगो ने एक कहानी की फरमाइश की, और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। संगीता, ये नेपाल से हैं, लेकिन इस वक्त इसराइल में हैं, थैंक यू सो मच संगीता आपके इस मेल के लिए। भेरू भाम्बी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा लवीना करेलिया लंदन से हैं, थैंक यू सो मच, और इन्होंने कहानी की भी फरमाइश की है। इसके अलावा चित्रा गांधी जी, आपके मेल मिले हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बाउंस हो रहा है, तो आपके मेल मिल गए, मैंने पढ़ भी लिया, थैंक यू सो मच। तो आज कहानी में इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।